आज हम बनाने वाले हैं कलेजी। कलेजी हमने पाउडर ली है, थोड़ी सी हम कलेजी बनाएंगे। और हमने बकरे की कलेजी ली है, आप बड़े की कलेजी में भी बना सकते हैं इसी तरह से। तो इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे, एक इलायची और दो तीन लौंगे, काली मिर्ची हम पीसी हुई डालेंगे और ये थोड़ी सी तड़क जाएगी, चटक जाएगी। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, बस प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो गई है, अब इसके अंदर भर के हमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको दो मिनट के लिए ऐसे घुमाएंगे बस। ये हम अच्छी मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं, क्योंकि रोटी से अगर खानी है तो इसे भुनी भी बनाएंगे हम, लेकिन इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे से ज़्यादा मसाला बनाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही खानी है चटपटी स्नैक के तौर पे, तो आप है ना बिल्कुल कम मसाले इसमें डाल के और भुनी भी बना सकते हैं, जैसे कि प्याज कम कर सकते हैं, टमाटर का पेस्ट कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कलेजी डाल देंगे, ये देखिए कलेजी इसके अंदर हम डाल देंगे और कलेजी के साथ इसको दो मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था, इसको फिर उबाला है हमने हल्दी और नमक डाल के, थोड़ा सा उबाल के फिर इसकी झिल्ली साफ़ कर ली है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कलेजी को साफ़ करने का, एकदम साफ़ हो जाती है। तो ये लहसुन अदरक के साथ देखिए अच्छी तरह से भुन गई है, अब इसके अंदर हम बाकी सब मसाले अपने डाल देंगे। फटाफट बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। और ये हमने पाव किलो कलेजी ली थी, एक बड़ा प्याज हमने काट लिया था और बड़ा एक टमाटर हमने छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लिया। और इसके अंदर हम सब मसाले डाल देंगे, इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा कम मिर्ची, वो तो आप अपने साथ के हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये सब डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से भून लेंगे। आप टमाटर के बदले दही भी डाल सकते हैं, और अब अगर आप चाहें कि दोनों चीज़ें डालना तो आप दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो इसको हम भून लेंगे, भूनने के बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं हमारी कितनी अच्छी तरह भूनने लगी है, मसाले का कलर एकदम बदल गया है और बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला आधा चम्मच, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्ची भी नहीं डाली थी, मसाले हमने साबित कम ही डाले थे इसमें, तो हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से, ये भुनी गया है हमारा, बस इसको एक मिनट के लिए हम इस तरह से चलाएंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। ये देखिए कलेजी कितनी अच्छी तरह से भुन गई है, आप देख पा रहे होंगे मसाला बहुत अच्छा से इसको भुन गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ये हमने एक कटोरी पानी इसके अंदर डाल दिया है। और गैस को अब हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे अपने, और ये आराम से इसमें पकती रहेगी। जो हमने उबाला था उसको सिर्फ एक ही उबाल दिया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पका लिया था हमने कलेजी को, तो वो पानी में हमारे गलनी है और प्याज वगैरह सब। तो हम इसको ढककर रख देंगे अभी और गैस को अपने बिल्कुल मीडियम कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी धीमी धीमी आँच में इसमें बनती जाएगी, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कलेजी बन रही है। खोल के देख लेते हैं, ये बिल्कुल स्लो गैस पर बन रहा था ये, ये देखिए बीच में हमने एक दो बार चला दिया था, माशाल्लाह कितनी अच्छे से भुन गई है। हमें थोड़ी देर और भूनना है इसको, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। कलेजी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच के बराबर कसूरी मेथी। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये कसूरी मेथी हमने इसमें डाल दी है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम भून लेंगे। अभी हमने चिकन काली मिर्ची बनाया था, उसमें भी कसूरी मेथी डालनी थी, अब मैंने निकाल के रख रखी थी। तो पूरा हमारा सालन जब बनकर तैयार होगा, उसके बाद में मैंने देखा कि वो कटोरी में कसूरी मेथी रखी रह गई। उसमें कसूरी मेथी डालते हैं ना और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अगर आप वो बनाएं, हमारे वीडियो डली हुई है चिकन काली मिर्ची की, बहुत मज़ेदार बना था वो, तो उसके अंदर आप कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़रूर डालें। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। कलेजी हम खोल कर देख लेते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल कलेजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी कलेजी हमारी बनी है, मसाला हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ये भुनी भुनी कलेजी भी है और इसके अंदर मसाला भी है, तो ये रोटी से खाने में बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। और इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया, थोड़ा धनिया डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। माशाल्लाह मज़ेदार टेस्टी कलेजी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, और हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं।
तो इस तरह से आप कलेजी बनाइए, ये बहुत जल्दी बन जाती है फटाफट और बहुत ही टेस्टी मसालेदार कलेजी। ये देखिए, तो आप हमारे तरीके से कलेजी बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।